बात करेंगे एलडीए टीम हमला केस के हवाले से, जिसमें मंशा बम और बेटे आसिम मंशा का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे नुमान नूर चौधरी से। जी नुमान। जी बिल्कुल, जो है मंशा बम और इसके बेटे आसिम मंशा को आज 7 मुख्तलिफ मुकदमात में इंतजामी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के एडमिन जज शेख सज्जाद के रूबरू पेश किया गया और तफ्तीशी अफसर थाना जौहर टाउन, थाना टाउनशिप और थाना ग्रीन टाउन के जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुलजमान से तफ्तीश और मजीद जो कागजात हैं उनकी बरामदगी के लिए मुलजमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए 15 दिन का, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पहले तो फैसला महफूज कर लिया और उसके बाद महफूज फैसला सुनाते हुए मुलजमान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया और तफ्तीशी अफसरान को हुक्म दिया कि मुलजमान मंशा बम और के हवाले से बता रहे थे नुमान नूर, शुक्रिया आपका।